हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वाईफाई वॉल क्लॉक कैमरा। तो चलिए सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं वॉल क्लॉक का हमारा मॉडल कैसा है। ये देखिए, ये है हमारी वॉल क्लॉक। इसमें 32 GB इनबिल्ट मेमोरी हमने मेमोरी कार्ड इसमें डाला हुआ है रिकॉर्डिंग के लिए, और लाइव आप फोन से देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारी वॉल क्लॉक। ये रहा इसका यूजर मैनुअल। ये लुक कैम एप्लीकेशन पे चलेगी आपकी जो ये क्लॉक है। ये यूजर मैनुअल में भी मेंशन है कि इसको हम कैसे और किस ऐप पे चलाएंगे। ये देखिए, ये लुक कैम यहाँ पे मेंशन है। लुक कैम एप्लीकेशन पे आपको इसको चलाना है। प्ले स्टोर से आपको लुक कैम एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। और ये हमारी है वॉल क्लॉक, ये देखिए। अब आप बताइए कि इसमें कैमरा कहाँ पे है। यहाँ पे इसमें कैमरा दिया गया हमारा 6 नंबर पॉइंट में। आप ध्यान से देखिए, कैमरे का जो पॉइंट लेंस है वो 6 नंबर में यहाँ पे इसमें दिया गया है। और ये साथ में पावर के लिए ये केबल इसके साथ में है। बिना पावर के ये वॉच हमारी जो वॉल क्लॉक है ये नहीं काम करती है, पावर से ही चलती है। पावर मैंडेटरी है इसको यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी है वॉल क्लॉक। कि सबसे पहले मैंने इसको पावर में लगा दिया है, पावर ऑन है, और बिना पावर के ये वॉल क्लॉक काम नहीं करती है। इसका अपना बैटरी बैकअप नहीं है, ये पावर से ही चलती है, ठीक है। तो पावर में मैंने लगा दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका सीरियल नंबर जो आएगा। ये देखिए, वाईफाई का बटन को मैंने प्रेस करके रखा और यहाँ पे आप देखेंगे इसका ये सीरियल नंबर है F230। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया ऑलरेडी, देखिए सिलेक्ट हो गया है। और यहाँ पे अगर नो डाटा कनेक्शन या लो इंटरनेट समथिंग कुछ भी लिखा आता है तो कोई बात नहीं, आप इसको बस सिलेक्ट करने के बाद कनेक्ट करके सीधा एप्लीकेशन पे जाएंगे। लुक कैम एप्लीकेशन पे ये चलेगा, लुक कैम ये वाली, ये देखिए लुक कैम, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। और यहाँ पे जो भी लिखा आएगा उसको आपको कैंसिल कर देना। ये देखिए, डिवाइस ऑनलाइन, इस पर टच करेंगे, अगेन आपको कैंसिल कर देना है। ये देखिए, आपने कैंसिल किया ना, और यहाँ पे ये 6 नंबर पे कैमरा है। अब यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये क्लैरिटी है, ये आप देख सकते हैं इसकी वॉल क्लॉक की क्लैरिटी। ये देखिए यहाँ पे, अभी मैंने स्पीकर बंद है ना, ये रेड वाला जो सिंबल है ये स्पीकर का साउंड का है, ये मैंने इस पे टच कर दिया। हेलो हेलो हेलो, 1 2 3। ये देखिए कितनी अच्छी फुल HD क्लैरिटी की ये हमारी वॉल क्लॉक है। और ये हमने इसको लाइव चला रखा है। मैं थोड़ा सा इसको हिला के आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मूवमेंट करके, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये हमारी वॉल क्लॉक लाइव चल रही है। तो ये इस तरीके से हमें वॉल क्लॉक को यूज करना है। आप देख सकते हैं इसकी क्लैरिटी बहुत ही अच्छी है। मैं इसके स्पीकर को बंद कर देती हूँ साउंड को, और इसको यूज कैसे करना है बाकी के फंक्शंस मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये सारे लेफ्ट राइट के फीचर्स भी हैं। इसको आप अपने हिसाब से पिक्चर को राइट, रोटेट, लेफ्ट जैसे मर्जी कर सकते हैं, और इसको इस तरीके से आपको यूज करना है। मैंने आपको बताया था कि इसको मोबाइल डेटा से कैसे चलाना है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको वाईफाई से कैसे चलाना है। बिकॉज वाईफाई से हमें इसको कनेक्ट करने के लिए, इससे वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद हमारे जो कैमरे की रेंज है वो बढ़ जाती है। आप घर में इसको वॉल क्लॉक को लगाते हो और आप कहीं पे भी आउटसाइड जाते हैं तो आप वहां से इसको लाइव देख सकते हैं अपने घर पे, तो इसलिए इसको वाईफाई से कनेक्ट करना जरूरी है। मैं आपको दिखाती हूँ वाईफाई से कैसे इसको कनेक्ट करना है। सब मैंने आपको बताया था कि इसको मोबाइल डेटा से कैसे चलाना है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको वाईफाई से कैसे चलाना है। बिकॉज वाईफाई से हमें इसको कनेक्ट करने के लिए, इससे वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद हमारे जो कैमरे की रेंज है वो बढ़ जाती है। आप घर में इसको वॉल क्लॉक को लगाते हो और आप कहीं पे भी आउटसाइड जाते हैं तो आप वहां से इसको लाइव देख सकते हैं अपने घर पे, तो इसलिए इसको वाईफाई से कनेक्ट करना जरूरी है। मैं आपको दिखाती हूँ वाईफाई से कैसे इसको कनेक्ट करना है। सब यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद वाईफाई सेटिंग्स में जाएंगे, और मेरे को अपना वाईफाई सिलेक्ट करना है नाम, और मेरा देखिए वाईफाई का पासवर्ड ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे शो हो गया, मैं इसको ओके कर दूंगी। अब ये देखिए कॉन्फ़िगर सक्सेसफुली भी लिखा आ जाता है। अब ये जो मेरा कैमरा है कनेक्टिंग हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको रीराउटिंग होने में। पहले मैंने ये चलाया था अपना मोबाइल डेटा से, अब मैंने इसको चलाया अपने वाईफाई से कनेक्ट किया है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको वाईफाई से कनेक्ट करने में।
उसके बाद आप देखेंगे ये रिफ्रेशिंग करके, और हमारा कैमरा यहाँ पे लाइव आप